नमस्कार, मैं खुशवानी धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। पीएम मोदी ने सूरत एयरपोर्ट पर पहुंचते ही गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उनका स्वागत किया। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने सूरत में एक रोड शो में भाग लिया। पीएम मोदी के सूरत एयरपोर्ट पर पहुंचते ही गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उनका स्वागत किया। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने सूरत में एक रोड शो में भाग लिया। पीएम मोदी को देखने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पीएम मोदी आज प्रदेश के सूरत और भावनगर 3400 करोड़ की परियोजनाओं की भी सौगात दी। बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में नई बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नीतीश कैबिनेट से विशेष सर्वे अमीन कानूनगो समेत अन्य 2616 पदों की मंजूरी मिलने के बाद विभागीय स्तर पर भर्ती की कवायद तेज हो गई है। असम के धुबरी में ब्रह्मपुत्र नदी में एक नाव डूब गई। इस हादसे में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों समेत कई के डूबने की सूचना है। एक अधिकारी ने इस दुर्घटना की जानकारी देते हुए कहा कि गुरुवार को एक निर्माणाधीन पुल के पास कटाव की जांच के लिए टीम को ले जा रही एक नाव के पलट जाने से एक अधिकारी सहित कम से कम 7 लोग लापता हो गए हैं। बीते 24 घंटों में देश कोरोना के 4272 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 27 लोगों की जान चली गई है। इससे पहले बुधवार को देश में कोरोना संक्रमण के 3615 नए मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 22 लोगों की जान गई थी। कल के मुकाबले आज नए संक्रमितों मरीजों की दैनिक संख्या में 657 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केरल में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। कांग्रेस की इस यात्रा का आज 22वां दिन है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज दिन की शुरुआत मलप्पुरम के चुंगथड़ा गांव से की। इस यात्रा में सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। पटना के एक कार्यक्रम सशक्त बेटी समृद्ध बिहार में अफसरों और स्टूडेंट के बीच बातचीत चल रही थी, तभी एक छात्रा ने सवाल पूछा कि स्कूल में फ्री पैड क्यों नहीं मिलता है। महिला विकास निगम की MD हरजोत कौर ने जो जवाब दिया वो हैरान कर देने वाला था। कौर ने कहा कि 20 से 30 रुपए का सैनिटरी पैड दे सकते हैं, कल को जींस पैंट दे सकते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में भी देना पड़ेगा। फर्जी पहचान के जरिए सिम खरीदने वालों और व्हाट्सएप सिग्नल या टेलीग्राम पर गलत पहचान दिखाने वालों पर अब ये बहुत भारी पड़ने वाला है। अगर कोई व्यक्ति सिम के जरिए फर्जी दस्तावेज देता है या व्हाट्सएप सिग्नल या टेलीग्राम पर अपनी गलत पहचान दिखाता है तो उसको 1 साल की जेल या 50,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। जदयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि PFI पर किस आधार पर प्रतिबंध लगाया गया है। बिहार समेत देश की जनता और वे भी इस बात को जानना चाहते हैं। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि PFI पर विदेशों से फंडिंग का आरोप है तो वे और देश की जनता जानना चाहते हैं कि किन किन देशों से संस्था को फंडिंग मिलती है। सुकुमार के निर्देशन में बनी पुष्पा द राइज की जबरदस्त सफलता के बाद अब मूवी के स्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना इसके अगले पार्ट की शूटिंग के लिए तैयार है। सूत्रों की माने तो अब तक अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 में अपने किरदार के लिए अपने 2 लुक पर विचार कर रहे हैं। इनमें से पहले लुक में वह टैटू के साथ दिखाई दे सकते हैं तो वहीं दूसरे लुक में वह ईयर पियरिंग्स के साथ डैशिंग लुक में दिखाई दे सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष के इस फैसले को तत्कालीन 4 विधायकों ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, रविंद्र राय, नीरज कुमार सिंह और राहुल कुमार ने कोर्ट में चुनौती दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत किसी विधायक के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर निर्णय लेते समय विधानसभा अध्यक्ष को पूर्व विधायक का दर्जा वापस लेने का अधिकार नहीं है। अभिनेता अजय देवगन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी आगामी फिल्म दृश्यम 2 का फर्स्ट लुक शेयर किया। उन्होंने ऐलान किया कि दृश्यम का रिकॉल टीजर 29 सितंबर 2022 को जारी किया जाएगा। अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के लिए पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कहा कि दुनिया को ऐसे देश से लोकतंत्र और मानवाधिकारों पर सीखने की जरूरत नहीं है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। भारत के अस्थायी मिशन की प्रथम सचिव सीमा पुजानी ने पाकिस्तान को आईना दिखाया। दिल्ली विश्वविद्यालय DU में नवंबर से शुरू होने जा रहे शैक्षणिक सत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के तहत छात्रों को 4 वर्षीय स्नातक कोर्स की पढ़ाई करनी है। NEP के नियमों के अनुसार DU के छात्रों को इसी सत्र से पढ़ाई बीच में छोड़ने और फिर से शुरू करने के लिए मल्टीपल एंट्री और एग्जिट के विकल्प मिलेंगे। इसके तहत पढ़ाई बीच में छोड़ चुके छात्र कभी भी अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर पूरी कर सकेंगे। 4 दिन पहले दिखे अब जब राजद विधायक अजय यादव के करीबी बैजू यादव ने प्राइवेट कंपनी में काम कर माँ बाप का भरण पोषण करने वाले एक नौजवान को गोलियों से भून दिया था। 4 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझते नौजवान ने आज पटना में दम तोड़ दिया।
दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी आप सरकार के शराब घोटाले के आरोपी एक एक कर पकड़े जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पास आबकारी मंत्रालय है, सीबीआई के एफआईआर में उनका भी नाम है, वह साक्ष्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उन्हें तुरंत पद से हटाया जाए। पीएफआई को आरएसएस से तुलना करने के बाद लालू यादव के बयान पर गिरिराज सिंह ने कहा कि आरएसएस का स्वयंसेवक होने पर गर्व है। क्या लालू यादव खुद को पीएफआई का सदस्य बता सकते हैं? लालू प्रसाद यादव को चुनौती देते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि हमें आरएसएस का स्वयंसेवक होने पर गर्व है। क्या लालू यादव कह सकते हैं कि वह पीएफआई के सदस्य हैं? बिहार में उनकी सरकार है, हिम्मत है तो बिहार में आरएसएस को बैन कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस मुद्दे पर सुनवाई शुरू की कि आपसी सहमति वाले पक्षकारों को पारिवारिक अदालत में भेजे बिना विवाह को भंग करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों के प्रयोग के वास्ते व्यापक मापदंड क्या हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा महाराष्ट्र में कांग्रेस को कमजोर करने के लिए बिसात बिछा रही है। इतना ही नहीं, चर्चा तो यह भी है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता एकनाथ भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों एक नई चर्चा हो रही है। अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के लिए तैयार है, पूरे शहर को शानदार तरीके से सजाया गया है। उद्घाटन से एक दिन पहले वहां ड्रोन शो का आयोजन हुआ है, इसकी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि अहमदाबाद में शानदार ड्रोन शो, शहर राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए तैयार है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने और राजनीतिक दृष्टि से किसी तरह दुनिया का ध्रुवीकरण रोकने में मदद कर सकता है। जयशंकर ने भारतीय पत्रकारों के एक समूह से बीते दिन कहा कि दुनिया में वास्तव में आशा की कोई किरण नहीं दिख रही है, मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बेहद चिंतित है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक का बुधवार को निधन हो गया। वह 90 वर्ष की थी, 4 बार सांसद रही और ओडिशा के दिवंगत मुख्यमंत्री जेबी पटनायक की पत्नी। जयंती पटनायक को यहां एक अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। उनके पति और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और असम के पूर्व राज्यपाल जेबी पटनायक का 2015 में निधन हो गया था। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट आर वेंकटरमणि नए अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए हैं। वह 1 अक्टूबर 2022 को अपना कार्यभार संभालेंगे। राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें कहा गया कि आगामी 3 वर्षों के लिए वेंकटरमणि को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार के शराब घोटाले के आरोपी एक एक कर पकड़े जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पास आबकारी मंत्रालय है, सीबीआई के एफआईआर में उनका भी नाम है, वह साक्ष्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उन्हें तुरंत पद से हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने कहा है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी एक्ट के तहत अविवाहित महिला को भी गर्भपात का अधिकार है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब एमटीपी के तहत अविवाहित महिला को भी 24 हफ्ते तक गर्भपात कराने का अधिकार मिल गया है। केरल उच्च न्यायालय ने पीएफआई के महासचिव को राज्य के साथ साथ के एसआरटीसी द्वारा अनुमानित नुकसान के लिए 5.20 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया है। पीएफआई ने 23 सितंबर को केरल में विरोध प्रदर्शन किया था, इसमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। न्यायालय ने 2 सप्ताह के भीतर जुर्माना राशि जमा करने का निर्देश दिया है। व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की। इस दौरान केंद्र की ओर से कहा गया है कि दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत के व्हाट्सएप यूजर्स को कम नहीं आंका जा सकता है और इस मामले में देश में एक नया बिल आने वाला है। इसके मद्देनजर मामले में सुनवाई को अगले साल तक टाल दी गई है। अब इस मामले में 17 जनवरी को सुनवाई की जाएगी। भारत की युवा आबादी दुनिया भर में हृदय संबंधी समस्याओं के कारण होने वाली सभी मौतों का लगभग 5वां हिस्सा है। दुनिया भर में प्रति 1 लाख लोगों पर 235 हृदय रोग और मौतें हो रही हैं, लेकिन भारत में यह संख्या 272 है, जो बहुत अधिक है। विशेषज्ञों के अनुसार एक और गंभीर समस्या यह है कि भारत में हृदय रोग पश्चिम की तुलना में बहुत कम उम्र में हो रहे हैं। कई राज्य सरकार विसंगतियों को दूर कर EWS आरक्षण में ST SC एवं OBC आरक्षण की तरह आयु सीमा में छूट दी है। EWS अभ्यर्थियों का मानना है कि केंद्र सरकार की भर्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में 10% आरक्षण दिया जाता है, लेकिन उम्र सीमा और शुल्क में छूट न मिलने के कारण EWS के तहत आरक्षण सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है। कहा गया है कि ऐसे में केंद्र सरकार को भी EWS को आयु संबंधित छूट का प्रावधान करना चाहिए। केरल में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। कांग्रेस की इस यात्रा का आज 22वां दिन है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज दिन की शुरुआत मलप्पुरम के चुंगथड़ा गांव से की। इस यात्रा में सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं।
संजय दत्त अपनी एक फिल्म को प्रमोट करने द कपिल शर्मा शो में पहुंचे थे। इस दौरान कपिल शर्मा ने संजय दत्त से पूछा कि अगर किसी एक शख्स की बायोपिक करना चाहें तो किसकी करेंगे। इस पर संजू बावा कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की, बिंदास आदमी है, कुछ भी बोलता है। संजू बावा के साथ शो में कृति सेनन पहुंची थी और सभी ने खूब मस्ती की थी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुनू कुमार, रघुनाथ प्रसाद, रविशंकर, राजकुमार प्रसाद, अंकित कुमार न्यूटन, प्रिंस कुमार, रंगीला गणेश, रही शिभाई, मुटु रंगीला, मनोज कुमार, वाल्मीकि कुमार, मोहम्मद नौशाद, रजा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल है कि क्या DEWS कैटेगरी में आरक्षण के साथ साथ आयु सीमा में भी छूट दी जाने की मांग उचित है। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।